सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट को होलसेल रेट में सेल करके आप डेली की कमाई 1000 रुपये कर सकते हो। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग 2000 रुपये से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी 2000 रुपये अगर आपके पास है तो आप डेली 1000 रुपये बहुत ईजिली कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग घर पर बैठे हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, पैसे कमाने का जोश है, अगर आप थोड़ा सा भी पैसे कमाने का चाह रखते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डेली की कमाई 1000 रुपये बहुत इजली कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे, इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कौन से दुकानदार को आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है या फिर किस व्यक्ति को आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, क्या इसके लिए कोई लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी बहुत कम लगेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह का आइडिया ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग 10-20 हज़ार रुपये रखे हुए हैं, दिन भर गुड़ा गणित लगाते हैं कि कौन सा दुकान खोला जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो, लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया ही नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि पहले आप लोग कोई भी एक छोटा या बड़ा कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करिए। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक उसमें कुछ अभ्यास नहीं होगा, तब तक आपको कुछ आगे का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोई एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ बिजनेस के लाइन में जाने के बाद आगे हम जा पाएंगे या नहीं। तब जाकर के एक ही बार में अगर कोई बड़ा काम कर देते हो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो वहाँ पर आपको नुकसान होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, देखिए दोस्तों बात किया जाए तो बोरी थोड़ा बड़ा बोरी आता है तो यहाँ पर एक बोरी में आपको 40 पीस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, 40 पीस आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको कम से कम 4 बोरी प्रोडक्ट खरीदना है। आपको 4 बोरी प्रोडक्ट मिल जाएगा 4500 रुपये में, यानी एक बोरी का प्राइस पड़ जाएगा 1120 रुपये से 2500 रुपये के बीच में आपका एक बोरी प्रोडक्ट पड़ेगा। और आपको ज़्यादा नहीं, दिन भर में घूम करके, बहुत वजन भी नहीं है प्रोडक्ट, दिन भर में घूम करके किसी भी तरह से आपको 2 बोरी होलसेल रेट में सेल करना है। देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट होलसेल में बेचा जाता है ना तो बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको होलसेल रेट में सेल करना है। और देखिए एक पीस प्रोडक्ट आपका पड़ेगा 2800 रुपये में और इसे मार्केट में बेचना है 40 रुपये में और उसमें तैयारी टोटल होगा 50 रुपये का होगा, यानी आपको इस प्रोडक्ट को दुकानदारों को देना है। देखिए यहाँ पर ये जो बंडल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक एक बंडल है, यहाँ पर एक एक बंडल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो है ना एक बंडल आपको 40 रुपये में, मात्र 40 रुपये में सेल करना है। यहाँ पर एक बंडल बेचते हो तो 12 रुपये का मार्जिन होने वाला है, अगर 2 बंडल बेचते हो तो 24 रुपये का मार्जिन होने वाला है। इसी तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर ख़रीदारी की बात किया जाए तो 2800 रुपये पड़ेगा, यानी फ्रेंड्स अगर दिन भर में आप 2 बोरा बेच लेते हो तो यहाँ पर आपका लगभग 1000 रुपये के करीब में फ़ायदा होने वाला है। इस बिज़नेस को आप साइकिल से भी कर सकते हो, इस बिज़नेस को आप बाइक से भी कर सकते हो, बिना दुकान खोले इस बिज़नेस को बहुत ईजिली आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुकान खोलते हो तो आप जितना चाहोगे उतना प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आएगा तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। वैसे आप जो है कि कस्टमर के वहाँ प्रोडक्ट ले जा करके डिलीवर कर सकते हो। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पर लोड करके 2 बोरी आप जो है कि गाँव में या फिर जहाँ पर भी छोटा छोटा दुकान है सभी दुकानों पर अगर आप एक एक बंडल देते हो तो बहुत ईजिली आपका 2 बोरी बिक जाएगा। अगर 80 पीस बेचना है तो 100 दुकान पर जाएंगे तो बहुत ईजिली बिक जाएगा। अभी घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं जो कि एक दिन में 100 दुकान नहीं, हजार हजार जो एक पीस इस तरह का बेच लेते हैं, होलसेल में बेचते हैं। लेकिन यहां पर 1000 पीस नहीं बेचना है आपको, आपको बस इतना ही बेचना है कि 2 बोरी आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से बिक जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ जानकारी इसमें दे देता हूँ। देखिए यह रिलायंस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक ना, रिलायंस आपको पता है। देखिए यहाँ पर रिलायंस देख लीजिए, रिलायंस का प्रोडक्ट है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना करण नमकीन के नाम से है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट है मटर है। ठीक, इसमें मटर आता है, भुजिया आता है, नवरत्ना मिक्स आता है, ये
सब प्रोडक्ट आपको मिक्स करके लेना होगा। उसके बाद आपको अपने बाइक पर लोड करने के बाद आपको प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में तो कम बिकेगा, लेकिन विलेज एरिया में यानी गांव में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। दोस्तों बात किया जाए प्रॉफिट का, तो एक बोरी बेचने के बाद 40 पैकेट रहता है इस तरह का, 12 रुपये के हिसाब से एक पैकेट पर फायदा होगा, 480 रुपये एक बोरी पर बेनिफिट होने वाला है। और बात किया जाए इसके लिए लाइसेंस, तो लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना बिजनेस बड़ा करिए, जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप फूड विभाग का लाइसेंस ले सकते हो। और यहाँ पर बात रही कि प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे, तो देखिए दोस्तों ये प्रोडक्ट इंडिया के हर एक कोने में नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग इंडिया के यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला से हो, तो आपको एक गोरखपुर में ये मिल जाएगा, यूपी पूरा यूपी में आपको मिलेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा यूपी में मिलेगा, अन्यथा आप कहीं से भी हो तो यूपी में आकर के गोरखपुर में आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। देखिए दोस्तों, रिलायंस जो है ना, रिलायंस बहुत बेस्ट कंपनी है और ये मार्केट में बहुत तेज़ी से चल रहा है। अदर किसी स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये गोरखपुर में ही है, क्योंकि गोरखपुर में इसका प्रोड्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और आप गोरखपुर में आकर के रिलायंस का कोई भी प्रोडक्ट खरीद करके इसका बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक काफ़ी ज़्यादा सस्ता नमकीन तैयार करता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद करके बहुत कम पूंजी लगा करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और नेट आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।